बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुजाहिदीन कुरैश के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मदीना से निकले तो अबू आमिर कुरैश के पास चला गया था। उसके कबीले के बहुत से आदमी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर चुके थे और वह कुरैश के मुकाबले में सफ़ आरा थे। अब आमिर आगे चला गया और मुजाहिदीन से बुलंद आवाज़ में मुखातिब हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फासिक का खिताब दिया था। कबीले औस के गैरतमंद बहादुरों, अबू आमिर फासिक ने कहा, तुम मुझे यकीनन पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मेरी बात गौर से सुन लो। और वो अपनी ललकार पूरी भी ना कर पाया था कि मुजाहिदीन ने इस्लाम की सबसे पास गर्जी, ओ फासिक बदकार, हम तेरे नाम पर थूक चुके हैं। उस खालिद को वो वक्त याद आ रहा था, मुजाहिदीन ने इस्लाम की सबसे, अबू आमिर और इसके साथ गए हुए गुलामों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। मौरखीन लिखते हैं कि पत्थर बरसाने वाले कबीले औस के मुजाहिदीन थे। अबू आमिर और गुलाम जो मुजाहिदीन के पत्थरों की जद में थे, एक एक दो दो पत्थर खाकर पीछे भाग गए। यहूदी मदीने में बैठे लड़ाई की खबरों का इंतजार कर रहे थे। जिस यहूदियन की तिलिस्म में अबू आमिर गिरफ्तार था, वो अपनी कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब थी। उसे मालूम ना था कि उसके हुस्न जवानी के तिलिस्म को मुसलमानों ने संसार कर दिया है। अबू आमिर फासिक के इस वाक़े से पहले वो औरतें जो कुरैश लश्कर के साथ गई थी, लश्कर के दरमियान खड़ी होकर सुरीली आवाज़ों में ऐसे गीत गा रही थी जिनमें बदर में मारे जाने वाले कुरैश का जिक्र ऐसे अल्फाज और ऐसी तर्ज में किया गया था कि सुनने वाला का खून खोलता और रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन औरतों में से एक दो ने जोशीली तकरीर की सूरत में कुरैश के खून को गरमाया था। औरतों के पीछे चले जाने का हुक्म मिला तो अबू सुफियान की बीवी हुंदा ने अपने घोड़े पर सवार होकर एक गीत गाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ बुलंद थी और आवाज़ में सोज भी था। तारीख लिखने वालों ने उसके गीत के पूरे अशरार कलमबंद नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि ये गीत फहाश और बेहया था जिसमें मर्द और औरत के दरपर्दा ताल्लुकात का जिक्र था। अशार जो तारीख में आए हैं वो इस तरह हैं, इसमें जिस अब्दुल्ला का नाम आया वो बनो अब्दुल्ला है। बनो उमैया इसी की एक शाख थी। बनो अब्दुल्ला कुरैश का बहुत ऊँचा ख़ानदान था। अब्दुल्ला के सपूतों हमारे घरानों के पास बानो, हम रात की बेटियां हैं, हम तकियों के दरमियान हरकत किया करते हैं, इस हरकत में लुत्फ और लज्जत होती है। तुम दुश्मन पर चढ़ दौड़ो तो हम तुम्हें अपने सीनों से लगा लेंगी और तुम भाग आए तो हम तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगी। कुछ इस तरीके के बेहुदा गीत से वो अपने सिपाहियों के जोश को बढ़ा रही थी। इसके बाद अबू आमिर फासिक पर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ से संगबारी हुई और इसके फौरन बाद कुरैश ने मुजाहिदीन पर तीर फेंकना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन ने इसके जवाब में तीर बरसाए। खालिद अपने पहलू वाले मुसलमानों के पहलू पर हमला करने के लिए 111 सवारों के साथ तेजी से बढ़ा। उसे मालूम ना था कि बुलंदी पर तीर अंदाज शुभे बैठे हैं। इसके सवार बेधड़क चले आ रहे थे, रास्ता जरा तंग था, सवारों को आगे पीछे होकर आना पड़ रहा था। खालिद सोच समझ कर अपने सवार दस्ते को इस पहलू पर लाया था। अपने बाप की तरबियत के मुताबिक बड़ी खुद एतमादी से तवक्कुत थी कि वो हल्ला बोल कर मुसलमानों को इस पोजीशन में ले आएगा कि वो पसपा हो जाएंगे और अगर जमकर ना लड़े तो कुरैश के घोड़ों तले कुचले जाएंगे। मगर मुसलमानों के पहलू से उसके सवार अभी दूर ही थे कि ऊपर से तीर अंदाजों ने उसके अगले सवारों को ना आगे जाने के काबिल छोड़ा ना पीछे हटने के काबिल रहे। एक एक सवार कई कई तीर खाकर गिरा और जिन घोड़ों को तीर लगे उन्होंने खालिद के सवार दस्ते के लिए कयामत बर्पा कर दी। पीछे वाले सवारों ने घोड़े मोड़े और पसपा हो गए। इधर कुरैश की औरतों ने डफ और दौलत की थाप पर गीत गाना शुरू कर दिया। जो हुंदा ने अकेले गाया था, अब्दुल्ला के सपूतों, हम रात की बेटियां हैं, हम तुम्हारे तकियों के दरमियान, वगैरह वगैरह। और एक वाकदी लिखता है कि अरबी जंगजुओं के इस वक्त के रिवाज के मुताबिक एक एक जंगजू लड़ने का मरहला आया। सबसे पहले कुरैश के परचम बरदार तलहा बिन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा कि उसके मुकाबले के लिए इसी को आगे भेजो। आ मेरे दीन के दुश्मन, हजरत अली ने तुंद हवा की झोंकी की तरह आगे बढ़कर कहा, मैं आता हूँ तेरे मुकाबले के लिए। तलहा अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए बिफरा हुआ आया, मगर उसका वार हवा को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि सैयदना मौला तलवार ने ऐसा गहरा जख्म दिया कि पहले उसका परचम गिरा फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आया और परचम उठाकर पीछे चल दिया। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा उसे भी गिरा सकते थे मगर इनफरादी मुकाबले में यह रवाना था। तलहा को उठाकर पीछे ले आए। उसके खानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा, मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूँ, वो ललकार कर आगे आया। मौला अली मुश्किल कुशा, आ मेरी तलवार की काट देख। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा खामोशी से उसके मुकाबले में आ गए
दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चक्कर काटा, फिर उनकी तलवार और ढालें आपस में टकराई और उसके बाद सब ने देखा कि मौला अली मुश्किल कुशा की तलवार से खून टपक रहा था और उनका मर्द मुकाबिल जमीन पर तड़प रहा था। मौला अली मुश्किल कुशा की तलवार की यही खूबी थी कि वो चलती थी तो नजर नहीं आती थी, जिस पर वार होता था वह तड़पता हुआ जमीन पर नजर आता था। कुरैश का सालार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बावला हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इनफरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था क्योंकि वह सालार था, उसके मारे जाने से उसकी फौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वह अपने आप पर काबू न रख सका। वो घोड़े पर सवार था, उसने घोड़े को एड़ लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। उसकी बीवी हुंदा ने उसे जाते देखा तो अपने ऊँटों पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज़ से वही गीत गाने लगी जिसके अशार पहले मैं बता चुका हूँ, जिसके माने ये थे कि तुम भी भाग आए तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगे। अबू सुफियान घोड़े पर सवार था लेकिन उसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। तारीखों से हज़रत बिन अबू आमिर के नाम से जानती है। अबू सुफियान के हाथ में लंबी बर्छी छुपी हुई थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला प्यादा बर्छी वाले घुड़सवार से जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हंजला पर सरपट दौड़ा आया। अबू सुफियान ने बर्छी तोल कर फिर ताक कर मारी लेकिन सैयदना हंजला फुर्ती से एक तरफ हो गए। इस तरह तीन मरतबा हुआ। तीसरे मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो सैयदना हंजला उसके पीछे दौड़ पड़े। घोड़ा रुक गया, सैयदना हंजला उस तक पहुँच चुके थे। अब अबू सुफियान उसे देख न सका। हंजला ने घोड़े की अगली टांग पर ऐसी जोर का वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हंजला इस पर हमला करने को आगे बढ़े तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े गिर्द गिर्द दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाने लगा और उसके साथ ही उसने कुरैश को मदद के लिए बुला लिया। कुरैश का एक प्यादा दौड़ा आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि यह आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने बेउसूली का मुजाहरा किया, पीछे से हंजला पर वार करके उन्हें शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफ़ों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुल रहमान बिन अबू बकर आया। वाकदी ने यह वाक़ इस तरह बयान किया कि अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर उसके वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस्लाम कबूल करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तलवार निकल कर अपने बेटे के मुकाबले पर निकले। आगे आ मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ललकारा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटा बाप के मुकाबले पर उतर आया है तो आपने दौड़ कर सैयदना अबू बकर को रोक लिया। तलवार नियाम में डाले अबू बकर, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया और सैयदना अबू बकर को पीछे ले गए। खालिद को शोर गुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर उसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफरादी मुकाबला ख़त्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने ओहद की पहाड़ी को अपने अकब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को अकबी हमले का खतरा बिल्कुल नहीं था। आमने सामना का मार कुरैश था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में 700 के करीब मुसलमान थे और आपके पास सिर्फ दो घोड़े थे जिसमें एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस कमी को उन्होंने जजिया और तेख देनी के कमालात से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की इफरात हासिल ना होती तो मुसलमानों के आगे ठहर ही नहीं सकते थे। वो नफरी के जोर पर लड़ रहे थे, यानी ज़्यादा तादाद थी उनकी। खालिद की नज़र आका सलातो सलाम पर थी। आप सलातो सलाम एक पहलू पर थे, यही पहलू था जिस पर खालिद को हमला करना था। अब उसने अपने सवारों को यह हुक्म दिया था कि वो घोड़ों का सरपट दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाएं और मुसलमानों के पहलू पर हल्ला बोलें, मगर अब्दुल्ला बिन जुबैर के 50 तीरंदाज ने सवारों को इस तरह पसपा कर दिया था कि वो चंद घोड़ों और जख्मों से कराहते हुए कुछ सवारों को पीछे छोड़ गए। मार्का उरूज पर था। सिर्फ एक आदमी जो लड़ नहीं रहा था, वो मैदान जंग में बर्छी उठाए यूं घूम रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वहशी बिन हर्ब था। वो हमजा को ढूंढ रहा था कत्ल करने के लिए। सैयदना हमजा को कत्ल करने के लिए उसके लिए दो इनाम थे, एक ये कि उसका आका उसे आज़ाद कर देगा और दूसरा अबू सुफियान की बीवी के जेवरात जो उसने पहन रखे थे वो उसको दे देगी। उसे सैयदना हमजा नजर आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सब बिन अब्दुल्ला उजा की तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रिवाज था कि खतना औरतें किया करती थी। इस्लाम से पहले अरबों में खतने का रिवाज मौजूद था। सैयदना हमजा ने जिस सबा को ललकारा था उसकी माँ खतना किया करती थी। खतना करने वाली के बेटे सैयदना हमजा ने उसे ललकारा, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुल उजा
सैयदना हमजा की तरफ बढ़ा, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। वह तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। सैयदना हमजा भी कुछ कम न थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को वार करने लगे। दोनों की ढालें वार रोक रही थी। वो पैतरे बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढालें तलवारों के रास्ते में आ जाती थी। इस वक्त वहशी बिन हरबा झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे ज़मीन और झाड़ियों ने ओढ़ दे रखी थी। सैयदना हमजा अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहशी उनके करीब पहुंच गया। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया जहाँ से उसकी बर्छी ख़त्म नहीं हो सकती थी। वो उठकर खड़ा हुआ और बर्छी को हाथ में तोला, फिर उसे फेंकने की पोजीशन में लाया। सैयदना हमजा ने सबा पर एक के बाद एक तेजी से दो तीन वार किए। आखिरी वार ऐसा पड़ा कि सैयदना हमजा की तलवार सबा के पेट में उतर गई। तलवार उसके पेट से इस तरह निकली उसका पेट और ज्यादा फट गया और हमजा के कदमों में गिर पड़ा। सैयदना हमजा अभी संभले ही थे कि वहशी ने उन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी सैयदना हमजा के पेट में इतनी ज्यादा उतर गई कि उसकी अन्नी सैयदना हमजा की पीठ से आगे निकल गई। उसकी नोक सैयदना हमजा की पीठ से दूसरी तरफ निकल गई। सैयदना हमजा गिरे नहीं, उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें वहशी दिखाई दिया। सैयदना हमजा बर्छी अपने जिस्म लिए हुए वहशी की तरफ बढ़े। वहशी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। सैयदना हमजा चार पांच कदम चलकर गिर पड़े। वहशी उनके जिस्म को हिलता डुलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वो वहशी उन तक आया। सैयदना हमजा शहीद हो चुके थे। वहशी ने उनके जिस्म से बर्छी निकाली और चला गया। अब वो उमदा और अपने आका हुबिया बिन मुतईम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मार्का याद आ रहा था और उसके दिल पर बोझ सा पड़ता चला रहा था। वो नशे भी जगह से गुजर रहा था, इसलिए औस पहाड़ी की चोटी उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। उसे अपने कबीले की औरतें याद आई जो कुरैश और कबायल को जोश दिला रही थी। खालिद को याद आया कि वो मार्के का नजारा करने के लिए एक बुलंद जगह पर चढ़ गया था। उसे मुसलमान औरतें नजर आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती थी और उनकी मरहम पट्टी करती और उन्हें पानी पिलाती। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें सैयदा फातिमा ज़हरा भी थीं। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफार पर गलबा पा गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी ने उसका परचम उठा लिया, वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा, आखिर में गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत तक नहीं दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसपाई देखी और ये भी देखा कि मुसलमान उनका ताकुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी न ठहरे, अपना माल असबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग खड़े हुए। यहाँ से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतेह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतेह और नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बौखला कर भागे कि इन्हें अपनी औरतों का ख्याल भी न रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमान उनकी तरफ आग भी उठाकर नहीं देख रहे थे। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर अक्रमा और दूसरे का खालिद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलों पर हमले करने थे, मगर जंग का पासा बुरी तरह पलट गया था।